ओके okay, तो चैप्टर हमारा वर्क एनर्जी पावर है वर्क एनर्जी पावर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वर्क स्टडी करा ठीक है वर्क में पूरा कंप्लीट कर लिया हमने वर्क और आफ्टर वर्क वी स्टार्टेड द एनर्जी ठीक है एनर्जी में हमने देखा मैकेनिकल एनर्जी फिर उसमें टाइप्स देखे कायंटिक एनर्जी है ना कायटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके और उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतना हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास में ठीक है आगे नेक्स्ट जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में जो भी अब बचा हुआ पार्ट है इसका आ, बचे हुए पार्ट में आप आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और दूसरा पार्ट जो एक टॉपिक और हमें करना है वो है इलेक्ट्रिक पावर सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट बोथ द टॉपिक्स टुडे ठीक है दोनों टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि आज ही फिनिश कर लें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इनके एनसीआर टी सोल्यूशन और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करना एग्जाम के लिए ठीक है तो अभी आज जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है कौन सा लॉ है एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे इसका स्टेटमेंट देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो स्टेटमेंट क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का लेट सी द स्टेटमेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एनर्जी 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 नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड ठीक है एनर्जी नाइदेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है एनर्जी नाइदेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्रॉम One one form form to to another. another. It can be converted from ठीक है? है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि को क्या कर सकते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि उसको हम फिनिश कर दें. या क्रिएट कर दें ठीक है तो ये स्टेटमेंट हमें यही बता रहा है कि वो क्या होता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बट ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो एक स्टेटमेंट तो हमारे पास ये रहेगा एक सेकेंड स्टेटमेंट और लेते हैं हम ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसी का ही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का ही कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एन आइसोलेटेड ठीक है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑलवेज टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन ऑलवेज रिमेन कंजर्व ठीक है फॉरन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी इसमें सिस्टम होता है isolated system क्या होता है? System होता है? है है? ऐसा जो कि बाहर बाहर से, system के बाहर से ठीक के ना ही कोई energy लेगा, ना ही उसमें कोई एनर्जी देगा ठीक है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा हम यहाँ पर बताएते हैं व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम सो व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम ओके So what is an isolated system? It is a system it is a system it is a system which it is a system which does not which does not gain which does not gain or lose energy. ठीक है एनर्जी टू सराउंडिंग एनर्जी टू सराउंडिंग ठीक है तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसको हम क्या कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे तो अभी तक मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन लो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी को आप कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और एक और स्टेटमेंट मैंने आपको बताया एनर्जी लॉ लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग ठीक है उसको हम क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम अब जैसे हम बात कर रहे हैं ओनली मैकेनिकल सिस्टम की तो मैकेनिकल सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर फॉर एनी आइसोलेटेड ठीक है फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ठीक है मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ना तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसको हम एम e से बताते हैं इसी को टोटल एनर्जी कहेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी और आप कह सकते हो टोटल एनर्जी ठीक है मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी लिख दिया अपन ने तो मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये क्या होगा इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम बता देते हैं ईपी e, से ठीक है और टोटल एनर्जी के लिए हम यूज कर लेते हैं एक सिंबल यूज कर लेते हैं टोटल एनर्जी के लिए ई e, टी यूज कर लेते हैं टोटल एनर्जी के लिए यूज किया ठीक है so, सो टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है डेट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बताएंगे ई के से तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो है उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइंटिक एनर्जी और ये हमेशा क्या रहेगी इसकी वैल्यू ये जो सम है इस सम की वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टेंट ठीक है हमेशा जो भी सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है फॉर डेट आइसोलेटेड सिस्टम इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली मैकेनिकल एनर्जी तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कांटिक एनर्जी इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी ये हो सकता है कि कभी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाए कायंटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए कायंटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए ये इनमें आपस में चेंज हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी और कायंटिक एनर्जी में पर जो इनका सम होगा वो सम हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा आपको यह ध्यान रखना है ये सम क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा ठीक है अब हमें क्या करना है प्रूफ करना है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को क्या करना है प्रूफ तो अब देखते हैं प्रूफ क्या है प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लेट सी द प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है देखो आप प्रूफ देखते हैं हम सो लेट्स राइट हियर प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है उसको हम क्या कर रहे हैं प्रूफ करके देखते हैं सो आप प्रूफ देखते हैं किस तरह से करोगे आप ठीक है प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो इस प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर लेटेस्ट कंसीडर ठीक है लेटेस्ट कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है लेटेस्ट कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम इन विच इन विच अ बॉल इज इन विच अ बॉल ऑफ मास ठीक है इन विच अ बॉल ऑफ मास एम महास एम ड्रॉप ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच तो हम क्या करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और वो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या एक बॉल है उसको अपन एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं जैसे बॉल है इस तरह से ये बॉल ली हमने और इस बॉल को क्या है एच हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं तो एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो इस तरह से ड्रॉप हो गई बॉल ठीक है ये इस तरह से मोशन होगा इसका वर्टिकली ये ड्रॉप होगी इस तरह से ठीक है और ये हम ले लेते हैं सरफेस सो दिस इज अ सरफेस ठीक है जो टॉप का पॉइंट है उसको तो ए ले लेते हैं ठीक है मिड में यानी कहीं पे इन बिटवीन इट्स मोशन लेट से दिस इज अ पॉइंट बी और जो सरफेस है सरफेस पे पॉइंट ले लेते हैं सी ठीक uh, है नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम ये क्या है एक आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से बना लिया तो ये इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर तो क्या है सिस्टम है और उसके बाहर क्या है सराउंडिंग है ठीक है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये ना तो कोई एनर्जी बाहर से लेगा ठीक है ना ही एनर्जी कुछ यहाँ पर लूज करेगा ठीक है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो अगर मैं एफ आई द टोटल एनर्जी एट ए ठीक है बाय द अपन क्या कह सकते हैं बाय द बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आई कैन राइट बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम क्या कह सकते हैं बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो टोटल एनर्जी है इसकी ए पॉइंट पे ठीक है टोटल एनर्जी जो ए पॉइंट पे है वो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर और टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर यह जो टोटल एनर्जी है क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है द टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी एंड टोटल एनर्जी एट सी शुड बी सेम अगर आपने ये प्रूफ कर दिया अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इट मींस क्या है आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को प्रूफ कर दोगे ठीक है तो हमने क्या करा m मास की एक बॉडी है m मास की बॉडी का h हाइट पर है तो ये हाइट आप ले लो h है दिस हाइट इज h दिस हाइट इज ऑलमोस्ट दिस हाइट इज h ठीक है सो वी आर टेकिंग दिस हाइट एज h एंड लेट से दिस वन इज फ्रॉम a टू b एंड so a टू b इज हाउ मच इट इज x ठीक है तो आप देखो वन बाय वन हम क्या करते हैं हर एक पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करके चेक करते हैं कि ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही जिससे हम 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 लेते है, जिसे हम ले लेते हैं हैं ले सबसे पहले तो एट पॉइंट ए सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका मोशन का तो पॉइंट ए पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना वो हो क्या होगी जीरो तो क्योंकि आप इसको ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो मीटर पर सेकेंड होगी तो अगर ए वाला जो पॉइंट है इस पे अपन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वन बाय और ये हो जाएगा वी ए का स्क्वायर अब वी ए तो देखो कितना है जीरो है क्योंकि तो ड्रॉप कर रहे हो ना आप तो ड्रॉप करते तो वहां पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो होती है तो इसको जीरो कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ जाएगी ऐसे ही हम निकालें लेट्स फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या था एम जी और हाइट तो यहाँ इसकी सरफेस से ए जो वाला जो पॉइंट है पोजीशन है उसकी सरफेस से हाइट कितनी है एच है तो कितना तो आ जाएगा एम जी एच आ जाएगा ठीक है तो इस इस तरह से अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस कांटिक एनर्जी तो कांटिक एनर्जी तो कितनी यहाँ पर जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच है ठीक है तो यहाँ से अपने पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी हाउ मच एमजीएच ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी समझ में आया तो ये हमने निकाला एट पॉइंट ए तो ए वाला जो पॉइंट है वहां पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास एमजीएच आ गई तो अब नेक्स्ट लेते हैं अपन एट पॉइंट बी क्या लेते हैं अपन एट पॉइंट बी या इसकी जो पोजीशन है बी पर बी वाला पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट बी तो देखो एट पॉइंट बी अगर मैं इफ आई फाइंड आउट देखो इसकी जो हाइट है यहाँ से सरफेस से वो कितनी है H -X है है ठीक तो अगर ए बी वाले पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करें किस पे बी पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म कहता है एम जी और सरफेस से हाइट तो सरफेस से हाइट कितनी इसके एच माइनस एक्स है ठीक है थीके? तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी बी पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई ठीक है अब हम मोशन लेते हैं अपन ए टू बी ठीक है टेक टेक मोशन ए टू बी ए से लेके बी तक का अपन क्या लेते हैं इसमें मोशन लेते हैं तो ए से लेके बी तक का मोशन लेते हैं और एक फॉर्मूला अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन है प्लस टू एस ठीक है क्या है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम क्या करते हैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ठीक है तो ए से बी में देखो ए से जब बी पे आ रहे हैं ए से क्या आ रहे हैं बी पे आ रहे हैं डाउनवर्ड तो ए से बी में आ रहे तो फाइनल वेलोसिटी मान लो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है VBA.

कितनी हाइट है यानी कितने से ड्रॉप हुआ ये एक्स से ठीक है तो आपके पास जो एस की वैल्यू है एस की वैल्यू क्या जाएगी एक्स आ जाएगी तो ऐसे आप एक्स रख देना ठीक है अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लो तो वी बी का स्क्वायर जो आएगा आपके पास ये तो जीरो आ जाएगा और प्लस और ये आ जाएगा टू जी एक्स यानी कि आपके पास वी बी स्क्वायर कितना गया टू जी एक्स आ गया आए समझ में

और वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो टू जी एक्स है दिख रहा है आपको वीबी स्क्वायर इज हाउ मच स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स कर दिया इस टू से इस टू को कैंसिल कर देना तो इट विल बी इक्वल टू एम जी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा एम जी एक्स आ जाएगा अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल एनर्जी B पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो B पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालो ये टोटल एनर्जी निकालना है अपन को B पॉइंट पे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जी एक्स ठीक है प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखो पोटेंशियल एनर्जी एरी पोटेंशियल एनर्जी कितना एम जी और एच माइनस एक्स ठीक है इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम तो क्या जाएगा देखो एम जी एक्स देन प्लस प्लस एम जी एच एंड माइनस एम जी एक्स ठीक है तो ये माइनस एम जी एक्स से प्लस एम जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू एम जी एच ठीक है ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी सो नाउ वी हैव द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बी वाला जो पॉइंट जब वो मोशन कर वो बॉल को जब आपने ड्रॉप करा तो ड्रॉप जब वो हो रही है तो उसकी जो जर्नी है सरफेस तक आने की उसके बीच में कोई पॉइंट लिया था अपन ने बी वहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी आई है एम जी एच और ए पॉइंट पे भी कितनी आई थी एम जी एच आई थी अब लास्ट में से करते हैं सी पॉइंट पर और देख लेते हैं क्या सी पर भी सेम आ रही है अगर सी पे भी सेम आ गई तो इट मीन हमारा ये प्रूफ हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ठीक है कि एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कंजर्व टोटल एनर्जी क्या है कंजर्व है सेम है ठीक है तो आप देखते हैं आप कौन सा लेते हैं हम एट पॉइंट सी सी मतलब ये सरफेस पर ठीक है बिल्कुल सरफेस पर जो है उसको लेते हैं अपन तो लेट्स राइट हियर एट पॉइंट एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी सी वाला पॉइंट लेते हैं अपन ठीक है तो एट देखो सी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें सी पॉइंट पे तो फॉर्म लग जाता है एम जी और हाइट क्या है इसकी जीरो क्योंकि जो सी वाला पॉइंट है वो कहां पर है सरफेस पर है सी वाला पॉइंट कहां पर है सरफेस पर है तो हाइट क्या जाएगी उसकी जीरो आ जाएगी का हाइट जीरो रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो अब हम क्या करते हैं मोशन लेते हैं कि भाई टेक मोशन ए टू सी टेक मोशन टेक मोशन ए टू सी ए से लेके A to C, A से लेके सी तक का मोशन लेते हैं तो ए से लेके सी तक का मोशन लेते हैं फॉर्मला हम वही लगा, लगा रहा हूँ तो सी तक का मोशन हो रहा है तो ए से लेकर सी तक का जो मोशन हो रहा है इसमें देखो ए पॉइंटिटी कितनी लोग जाएगी वी सी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी ए का स्क्वायर प्लस प्लस की जी और हाइट एच है ए से सी तक डाउनवर्ड मोशन है, है? हो रहा है, है, हो रहा है तो प्लस का जी ठीक है तो इस तरह से आपका ऐसे अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है जीरो क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया था तो जीरो हो गई और ये प्लस के आ गया टू जी एच तो इस तरह से आपका वी सी स्क्वायर कितना टू जी एच आ जाएगा VC कितना आ गया आपके पास 2gh आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करी हुई है कितनी आ रही है जीरो आ रही है हमें क्या करना है काइनेटिक एनर्जी तो का स्क्वायर ठीक है तो ये वन बाय टू ये एम हो गया और वी सी का स्क्वायर वी सी स्क्वायर वैल्यू कितनी टू जी एच तो इसको टू जी एच रख दो 2 से 2 कर दो तो यहाँ पे आपके पास जाएगा द वैल्यू विल गेट इज एम जी एच कितना आ जाएगा यहाँ पे ये एम जी एच आ गया और ये थर्ड इक्वेशन आ गई ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो इक्वेशन आई है तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट करा था टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए सेकेंड में भी हमने फाइंड आउट करा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी और फिर फाइंड आउट करा टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी तो ये सारी वैल्यूज जो आ रही है आपके पास कितनी आ रही है एम जी एच आ रही है फोर्थ इक्वेशन हो गई तो आपने देखा कि कोई आइसोलेटेड हमने सिस्टम लिया था दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम और इस सिस्टम में आप हर एक पॉइंट पर जो इसकी टोटल एनर्जी वो क्या आ रही है सेम आ रही है और स्टेटमेंट भी हमारा यही था देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कंजर्व टोटल एनर्जी क्या रहती है कंजर्व रहती है ठीक है द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व तो देखो आप टोटल एनर्जी हमारी कॉन्स्टेंट आ रही है ये टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट आ रही है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हैंड्स प्रूफ ठीक है ये प्रूफ हो जाएगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लो हैंस प्रूफ आया समझ में ठीक है तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन लो ठीक है समझ में आया हुँ? चलो अब आगे चलते अपन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो हमारे पास हो गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो स्टडी करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड डेट टॉपिक इज पावर ठीक है टॉपिक क्या है हमारे पास पावर है ठीक है तो पावर को सबसे सब पहले डिफाइन करते हैं हम पावर क्या होती है तो पावर देखते हैं पावर को हम करते हैं जो फर्स्ट पावर हम लिख रहे हैं पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा करते हैं इसको डिफाइन ही करते हैं ये पावर लिखा हमने ठीक है तो पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से ठीक है तो पावर क्या होता है पावर कैसे डिफाइन करोगे आप इस फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं पावर में पावर होता क्या है इट इज is... इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड रेट ऑफ रेट ऑफ डूइंगूइंग पावर को डिफाइन कर सकते हो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और कैसे कर सकते हो इट ऑल्सो आप ऐसे और डिफाइन कर सकते हो इट इज इट इज डिफाइंड एज It is defined as work done. Okay, it is defined as work done in work done in per unit time. Okay, work done in per unit time. Okay. So we have defined kasakto. So it is defined as the rate of doing work. Rate of doing work is called power. And also you can say that work done in per unit time. Work done in per unit time is also called power. Okay. Now थर्ड पॉइंट इसमें हम लेते हैं थर्ड पॉइंट द इलेक्ट्रिकल पावर या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक पावर ठीक है इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज ठीक है इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन करोगे आप इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम ठीक है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम समझ में आया तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मलेस बनते हैं देखो फॉर्मले क्या बन जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर का हम फॉर्मुला लिखना चाहें तो सॉरी uh, पावर का फॉर्मूला हम लिखे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन वर्क डन डिवाइड बाय टाइम ठीक है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम ठीक है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय डिवाइड बाय टाइम ठीक है सो दीज आर द फॉर्मलाज फॉर पावर पावर का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं एक तो होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी

फर्स्ट सेकंड, थर्ड ये हमारे पास था फोर्थ फोर्थ पॉइंट ठीक है? के बाद फिफ्थ, फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास ही सही यूनिट ऑफ पावर पी तो यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या जाएगा एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू ठीक है

कि जो पावर है पावर यूनिट कीती है वॉट ठीक है एंड वन जूल डिवाइड बाई सेकेंड इज इक्वल टू होता है ठीक है डिवाइड डिवाइड जूल क्या होगा होगा और वॉट को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डब्लू कैपिटल डब्ल्यू से ठीक है अदर यूनिट्स की बात करें हम इसमें अदर यूनिट्स क्या है पावर की तो अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो अदर यूनिट्स में देखो आपके पास जैसे दिया हुआ है वन किलो वोट तो वन किलो वॉट क्या हो जाएगा टेन एस टू पावर थ्री वॉट होता है ठीक है ऐसे ही आपको दिया हुआ है वन मेगा वॉट तो वन मेगा वॉट हो जाएगा आपके पास टेन एस टू पावर सिक्स वॉट ठीक है ये अदर यूनिट्स हैं जो भी ये भी यूनिट्स आपके काम आएंगी क्वेश्चन आप करोगे जैसे आपको दिया हुआ है वन हॉर्स पावर क्या दिया हुआ है वन हॉर्स पावर तो वन हॉर्स पावर यानी हॉर्स पावर को आपके एच पी से लिखते हैं ठीक है वन हॉर्स पावर वन हॉर्स पावर इज इकल टू होता है वो भी इंपॉर्टेंट ही है पावर क्या होता है सिक्स पॉइंट है पावर इज अवर इज अ स्केलर क्वांटिटी पावर क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है पावर इज अस्केलर क्वॉंटिटी ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें सेवेंथ पॉइंट ठीक है आपको डिफाइन करना हो एवरेज पावर क्या डिफाइन करनी है एवरेज पावर तो एवरेज पावर को कैसे डिफाइन करेंगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन ठीक है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट फॉर एवरेज पावर टोटल एनर्जी कंज़प्शन. ठीक है टोटल एनर्जी कंज़प्शन डिवाइड बाय टोटल एनर्जी कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन तो आप ध्यान रखना कि एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं जब टाइम इंटरवल दिया हो ठीक है कभी भी कोई टाइम स्पान दिया हुआ है कोई टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो उस केस में जो पावर निकाली जाती है वो कौन सी पावर होती है एवरेज पावर होती है एवरेज पावर का फॉर्मुला होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ऐसे ही टोटल एनर्जी कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन सो दिस इज द फॉर्मुला फॉर एवरेज पावर ठीक है और आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें ले लेते हैं अपन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो जैसे आपको पावर दी हुई है अब अगर पावर आपको दी हुई है डब्ल्यू बाई टी ठीक है ये जो पावर होती है ये जो आ, किसी इंस्टेंट पे पावर होती है उसको बोलते हैं इंस्टेटेनियस पावर ठीक है पावर एट एनी इंस्टेंट पावर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड ियस पावर ठीक है इस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर ठीक है किसी इंस्टेंट पर अगर पावर ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं देखो एवरेज पावर जो होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ये डेल्टा डब्लू डिवाइड बाय डेल्टा टी ठीक है टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन ऐसे ही आप यहां लिखना चाहो एवरेज पावर का फॉर्मूला तो जाएगा डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा टी ठीक है ये आपके पास आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला पर अगर आप इफ यू राइट द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंट इंस्टेटेनियस पावर तो इंस्टेटेनियस पावर जो होता है इंस्टेटेनियस पावर जो होगा इंस्टेटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी ठीक है डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी तो और सिंपली यू कैन राइट डब्ल्यू बाय टी आप देखो इस इक्वेशन से अगर हम आगे चले तो आप जानते हो होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अगर पावर निकाली जाए यहाँ पर तो पावर क्या करेंगे अपन डीवाई डी टी कर देंगे ठीक है डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी कर दोगे आप डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी कैसे करोगे डीवाई डी टी कर दिया W की वैल्यू क्या रख दे एफ इंटू एस रख देस रख दे तो एफ को तो बाहर निकाल लो ये हो जाएगा डीएस बाई डी टी तो डीएस बाई डी टी का मतलब यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एस बाई डी टी ये क्या होता है यह तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा पावर इजिकल टू जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी ठीक है तो आपको ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ठीक है वॉट इज द फॉर्मूला फॉर पावर द फॉर्मुला फॉर पावर इज इक्वल टू फोर्स इन वेलोसिटी ठीक है तो पावर हम टॉपिक अभी स्टडी कर रहे हैं पावर में इतने पॉइंट हमने स्टडी कर लिए और इलेक्ट्रिक पावर भी हमने स्टडी कर ली अब लास्ट में हमारे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है लास्ट जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं दैट टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ commercial unit of unit of electric electric energy ठीक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देखो आपका पावर का फॉर्मुला है पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी कंजप्शन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल ठीक है पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी कंजप्शन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुई है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है गिवन टाइम इंटरवल में किसी टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है वो क्या हो जाती है वो हो जाएगी आपके इलेक्ट्रिक पावर ठीक है इलेक्ट्रिक पावर और इनटू क्या जाएगा टाइम इलेक्ट्रिक पावर इनटू क्या कर दोगे आप टाइम कर दोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप ई e से बताते हो पावर को पी से बताते हो टाइम को टी से बताते हो तो ई ईजिकल टू क्या गया? आपका आ गया आपके पास पी इंटू टी आ गया फॉर्मूला जो आया आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का इलेक्ट्रिका यूनिट ऑफ ई मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू क्या हो गया ऐसा यूनिट ऑफ पावर इंटू टाइम तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है जूल अपॉन सेकंड होती है और टाइम की क्या होती है सेकंड तो से सेकंड कट जाएगा और आपके पास क्या जाएगा जूल क्या आ गया जूल तो जूल जो होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो उसके जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो क्या होती है जूल होती है पर इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है ठीक है ध्यान रखना कि भाई कॉमर्शियल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ठीक है इसको थोड़ा सा कॉमर्शियल यूनिट हम जब लिखेंगे तो कॉमर्शियल यूनिट क्या जाएगी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोट आवर क्या होती है किलो, किलो वोट आवर एच ओ यू आर ठीक है किलो वॉट आवर शॉर्ट में हम लिखते हैं के डब्ल्यू एच इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं तो वॉट इज यूनिट ऑफ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी द कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी अब हम अगर कन्वर्ट करें क्लोवो आवर को जूल में तो देखो वन किलोवर तो किलो के लिए आप यूज करोगे टेरिस पावर थ्री तो ये पावर थ्री वॉट आ जाएगा ठीक है और जो आवर है आवर में कितना था मिनट एंड सिक्सटी सेकेंड तो ये आपके पास किस में आ गया सेकंड में आ गया ठीक है तो इस तरह से आपके पास की देखो सिक्स इंटू सिक्स कर दो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू टेन पावर फाइव आ जाएगा ठीक है थर्टी सिक्स इंटू क्या जाएगा? 10 power 5 आ जाएगा, वाट के लिए कर देते हैं जूल अपॉन सेकेंड और ये आ जाएगा सेकंड कैंसिल से कर दो और इसको आप कर सकते हो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर सिक्स और ये आ गया जूल तो वन किलो वोट आवर जो होता है वन किलो वॉट आवर को ही हम बोलते हैं वन यूनिट वन किलो वोट आवर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं वन यूनिट कहते हैं तो जो जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आवर एंड वन क्लोवो आवर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर सिक्स जूल ओके